Hey guys, this is Priyanka and welcome back to my YouTube channel Priya's Cooking World and Bakery. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इडली की रेसिपी, परफेक्ट मार्केट स्टाइल सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके टिप्स और ट्रिक सारे मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे लिया है मैंने एक बड़ा बर्तन और उसमें मैंने ऐड किए हैं 2 बाउल चावल। चावल की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, बस आपको रेशो ध्यान रखना है। 2 कटोरी चावल के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 कटोरी धुली हुई उड़द की दाल। धुली हुई उड़द की दाल ही यहाँ पे ऐड करनी है, छिलके वाली दाल यहाँ पे ऐड ना करें। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 2 TSP मेथी दाना। मेथी दाना डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको 2 से 3 बार धुलने के बाद में 6-7 घंटे के लिए सोक करके रखना है। सोक करने के बाद इसे मैं पीस रही हूँ मेरे वेट ग्राइंडर में। अगर आपके पास वेट ग्राइंडर नहीं है तो आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं। मिक्सी में परफेक्ट डोसा बैटर कैसे बनाना है इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो के साथ भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसे देख सकते हैं गाइस। और मिक्सी में भी एक परफेक्ट डोसा बैटर इडली बैटर आप बना सकते हैं। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जो सारी बातें उस वीडियो में मैंने शेयर की हैं। 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। चारों तरफ से हटाते हुए इसे ग्राइंड करना है। 15 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको अलग दिखाई देगी और आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि हमारा बैटर रेडी हो गया है। बहुत ही स्मूथ सा इसका टेक्सचर है यहाँ पे। अभी इसे मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बर्तन में इसे पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, 1/3 तक ही इसे बर्तन में भरना है। एक जितना भी हो सके आप उतना बड़ा बर्तन यहाँ पे लें और इसे 8 से 10 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि फर्मेंटेशन अच्छे से हो जाए। 8 से 10 घंटे के बाद आप देख रहे हैं बैटर कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है। बैटर पहले बर्तन के 1/3 पार्ट में था, अभी बर्तन ऑलमोस्ट पूरा फिल हो गया है। आप देख सकते हैं बैटर कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से ये फर्मेंट हुआ है। यहाँ पे मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, ना ही सॉल्ट और ना ही बेकिंग पाउडर, ना ही बेकिंग सोडा। बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडे के ही मैं यहाँ पे आज इडली बनाने वाली हूँ। बस थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। अपनी इडली स्टीमर को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है पानी डाल के। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिर्फ 6 इडली बना रही हूँ गाइस, क्योंकि सुबह के 6 बजे मैं ये इडली बना रही थी मेरे बेटे के ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। और हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं 10 बजे के बाद में, तो इडलियाँ ठंडी हो जाती, इसलिए मैं ज़्यादा इडली यहाँ पे नहीं बना रही थी। इडली चेक करनी है 15 मिनट बाद, जब हम नाइफ को इस तरह से इडली में डालेंगे। अगर हमारा नाइफ एकदम साफ आता है तो इसका मतलब हमारी इडली अच्छे से बन चुकी है। अगर वो चिपचिपा आ रहा है उसमें, आपका बैटर लग के आ रहा है नाइफ में, तो आप 3-4 मिनट और इडली को पकाएं। बट मोस्टली 10 से 15 मिनट में इडली पक जाती है। ठंडा होने के बाद ही हम इसे निकालेंगे, नहीं तो आपके हाथ भी जलेंगे। प्लस अगर गरम-गरम आप निकालते हैं तो काफ़ी सारी इडली वो प्लेट में ही चिपकी रह जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट में भी नहीं चिपकी है इडली बिल्कुल भी, और इडली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है बिना बेकिंग पाउडर और सोडे के। इस तरह से फ्रेंड्स आप बिना कुछ इसमें ऐड किए सिंपल तरीके से भी एक बहुत ही सॉफ्ट और हेल्दी इडली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बर्तन में भी ये बिल्कुल नहीं चिपकी है। इसका रीज़न ये है कि हमारा बैटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सांभर और कोकोनट की चटनी मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक डाल दूँगी। प्लीज़ गाइस आप वहाँ से सांभर और कोकोनट की चटनी की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।